राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की क्लास प्रारंभ हो चुकी है। आज शाम 8 बजे से न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है। चलिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का मतलब होता है NRLM, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना। बिहान का मतलब होता है सवेरा। अब चलिए देखते हैं कि SGSY योजना का प्रारंभ। तो SGSY का मतलब होता है स्वर्ण ग्रामीण स्वरोजगार योजना। का प्रारंभ 1 अप्रैल 1993 को किया गया था, 6 योजनाओं को मिलाकर। 1 अप्रैल 1993 को SGSY योजना का प्रारंभ किया गया था। NRLM योजना का प्रारंभ, यानी कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन योजना का प्रारंभ 3 जून 2011 को हुआ था, वो भी राजस्थान के द्वारा, यानी कि योजना को परिवर्तित करके राष्ट्रीय ग्रामीण शुरुआत की गई थी। अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा व साथ ही बेल आइकन की घंटी को ऑल पर सेट करके प्रेस कर लीजिएगा। जब भी मैं क्लास का यूट्यूब पर अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यह है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का योजना का प्रारंभ कब कब हुआ था, ये मैंने बताया है। इसके बाद थ्योरी क्लास होगा, थ्योरी क्लास आगे आपको मैं बताऊंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, फिर थ्योरी क्लास में आपको यह बताऊंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से क्या क्या पूछा जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, और उसके बाद स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ये भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा व वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब क्लास स्टार्ट हो चुका है। NRLM की शुरुआत कब की गई थी? तो NRLM की शुरुआत वर्तमान में, यह योजना लगभग सभी राज्यों में लागू किया गया था, लेकिन सभी राज्यों में इसे अलग अलग नाम दिए गए थे। जैसे कि शुरुआत की बात करें तो देखिए, शुरुआत की बात करें तो यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत 1999 में भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, यानी कि SGSY स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के नाम से एक योजना चलाई गई थी, जिसे 2011 में पुनर्गठन कर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में लागू किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस प्रकार पूछ लिया जाएगा कि देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही से आपको ऑब्जेक्टिव बनेगा कि सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नामक एक योजना चलाई गई थी। कौन सी योजना चलाई गई थी? सर्वप्रथम स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के नाम से एक योजना चलाई गई थी, जिसका पुनर्गठन कब किया गया था? 2011 में। तो यह प्रश्न पूछेगा कि स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना का पुनर्गठन कब किया गया था, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? 2011 लेंगे, है ना। जो लोग क्लास में नए हैं या नए स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली क्लासेस शाम 8 बजे की क्लासेस होती है और शाम 5 बजे सब इंस्पेक्टर और छात्रावास अधीक्षक की क्लास होती है। ऑनलाइन क्लास होती है, 1 घंटे की क्लास होती है। जी बिल्कुल, 1 घंटे की क्लास लगती है नितेश, हाँ 1 घंटे की क्लास लगती है। साथ ही आपको ADO की क्लास, यानी कि ADO का मतलब होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, इसका कंप्लीट क्लासेस कराया जा रहा है। हाँ, कंप्लीट क्लासेस कराया जाएगा। डेली PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिया गया है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना में स्व सहायता समूह संघीय सहायता के माध्यम से अब तक देश भर में लगभग 600 जिलों में 6,769 ब्लॉक, यानी कि 2.5 लाख गांव पंचायत, 2.5 लाख गांव पंचायत एवं 6 लाख के कुल 7 करोड़, यानी कि BPL, BPL का मतलब होता है गरीबी रेखा के नीचे कार्ड धारकों को इसके दायरे में लाने की योजना है। साथ ही सरकार द्वारा इसके लिए 8 से 10 वर्ष तक के आजीविका चलाने के लिए आवश्यक सहयोग देकर इसे एक कार्यक्रम के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी
डाउट हो रहा होगा, किसी भी चीज़ पर डाउट हो रहा होगा तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा, है ना। कहीं भी आपको डाउट होगा तो क्लियर कर दीजिएगा। चलिए अब SHG का फुल फॉर्म होता है, SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। ये क्या होता है? देखिए यहाँ पर एडियो जो लिखा हुआ है, मेरा नाम से है ये बाय रुपेश सर, ये मतलब यानी कि एडियो की क्लास चल रहा है। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्वयं सहायता समूह। देखिए अब स्व सहायता समूह योजना के बारे में पूरा बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए स्व सहायता समूह ऐसी है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र की एक समान यानी कि इनकम आय वाली 10-20 महिला, सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखिएगा, यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं। कितने से सदस्य बनाए जाते हैं? 10 से 20, जिससे हम लोग स्व सहायता समूह कहते हैं। यानी कि स्व सहायता समूह योजना वह है जो ग्रामीण क्षेत्र में एक समान यानी कि इनकम आय वाली 10 से 20 महिलाओं के समूह बनाए जाते हैं, जिसे लोग क्या कहते हैं? स्व सहायता समूह योजना कहते हैं। स्व सहायता समूह योजना की क्या शर्त रहती है? कि महिलाएं इस ग्रुप में शामिल किए जाएं और उनमें वित्तीय असमानता ना हो। देखिए अब यह शर्त क्या है कि स्व सहायता समूह में क्या शर्त है? महिलाएं इस ग्रुप में शामिल किया जाए और उनमें वित्तीय असमानताएं ना हो। देखिए यहाँ शर्त आपको बता दिया गया है। अब देखेंगे दूसरा है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य बिहान, बिहान का मतलब होता है सवेरा, बिहान का मतलब होता है सवेरा। ओके, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे 2017 में, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है छत्तीसगढ़ राज्य के प्रत्येक ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला को, कम से कम एक महिला को स्व सहायता समूह से जोड़ना होगा। यानी कि इसका उद्देश्य है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है कि ग्रामीण गरीब परिवार से कम एक महिला स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात। दूसरा है, स्व सहायता समूह की महिलाओं का सार्वभौमिक यानी कि सामाजिक संगठन का करण, सामुदायिक संस्थाओं का निर्माण। तीसरा है, समूह के संघ का निर्माण। चौथा है, प्रशिक्षण एवं कौशल उन्नयन। पांचवा है, वित्तीय समावेश बाजार। छठवा है, अधोसंरचना उपलब्ध। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलिए देखते हैं कि स्व सहायता समूह योजना क्या है। मैं आपको आगे वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में आपको बता दिया था, उसका वीडियो में डिस्क्रिप्शन की लिंक में दे दिए गए हूँ। पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो में डिवाइडेड है, यानी कि यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की क्लास 4 क्लास में बटा हुआ है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। तो ये पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 2 और पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे दिए गए हैं, आप जाके देख सकते हैं या समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद देखेंगे कि स्व सहायता समूह क्या होता है। मैं आपको अभी बताया था कि स्व सहायता समूह क्या होता है, तो एक बार फिर से देख लीजिएगा अच्छे तरीके से। एक समान सामाजिक आर्थिक परिस्थिति वाली 10 से 15 गरीब महिलाएं, वहाँ पर 10 से 20 बोला था, 10 और 20 या 10 और 15 एक ही बात है। संगठन स्वयं सहायता यानी कि सहायता समूह के समस्त महिला सदस्य एक ही पारा या मोहल्ला के या अथवा गांव की ही होती है। यानी कि छत्तीसगढ़ी में आपको समझाया गया है कि समूह के नेतृत्व यानी कि इन समूह का जो नेतृत्व होता है, अध्यक्ष एवं सचिव का चयन समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर स्व सहायता समूह के किसके नेतृत्व में किया जाता है, तो आप बता सकेंगे कि अध्यक्ष एवं सचिव के चयन समूह के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है कि स्व सहायता समूह का नेतृत्व हेतु किसके चयन हेतु सदस्यों को चुनाव किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? अध्यक्ष एवं सचिव के द्वारा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब स्व सहायता समूह का लक्ष्य देखेंगे।
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि स्व सहायता समूह का लक्ष्य क्या है। तो स्व सहायता समूह का लक्ष्य क्या है, चलिए देखते हैं। गरीब लोगों के बीच का नेतृत्व क्षमता का विकास करना। क्या करना है, गरीब लोगों के बीच के नेतृत्व क्षमता का विकास करना, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा बात यह है कि स्कूली शिक्षा में योगदान करना। और तीसरी बात यह है कि पोषण में सुधार करना। और चौथा है कि जन्म दर में नियंत्रण करना। चलिए फिर से देखेंगे, स्व सहायता समूह का लक्ष्य क्या है। स्व सहायता समूह का लक्ष्य है गरीब लोगों के बीच के नेतृत्व क्षमता का विकास करना। दूसरा है स्कूली शिक्षा में योगदान। तीसरा है पोषण में सुधार करना। चौथा है जन्म दर में नियंत्रण करना। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे कि प्रशिक्षण एवं कौशल, ये उसका उद्देश्य है ना। वित्तीय समावेश यानी कि बाजार अधोसंरचना का उपलब्ध कराना। ग्रामीण परिवार की वार्षिक आय का न्यूनतम यानी कि 1 लाख से अधिक कराना, 1 लाख से अधिक वृद्धि कराना। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तरों पर क्रियान्वयन का समर्थन करना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य कहलाता है। ये सब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य है, जो कि उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तर पर क्रियान्वयन का समर्थन प्रदान करने के लिए समर्पित संरचना की व्यवस्था की जाती है। उसके बाद स्व सहायता समूह का पंचसूत्र देखेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। हाँ जी बिल्कुल, क्लास अटेंड करते रहिएगा, डेली क्लास आपको कराऊंगा, शांत मन से पढ़िएगा। अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। चलिए पार्ट 3 वीडियो का यह तीसरा भाग है, जो कि स्व सहायता समूह योजना का पंचसूत्र है। ये छत्तीसगढ़ बिहान आपको बता चुका हूँ, बिहान का मतलब होता है सवेरा। पंचसूत्र देखने वाले हैं, SSG यानी कि स्व सहायता समूह योजना का पंचसूत्र। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 5 सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा है नियमित साप्ताहिक बैठक का बचत। तीसरा है तीन नियमित आंतरिक लेन देन। चौथा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बिल्कुल PDF आपको नोट्स में मिल जाएगा, PDF नोट्स आपको WhatsApp ग्रुप में मिल जाएगा, Telegram पर भी मिल जाएगा। पहले क्लास अटेंड कर लीजिएगा। क्या है, नोट्स में आप पढ़ोगे, PDF है करके छोड़ के रख दोगे, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर आप ध्यान से पढ़िएगा। PDF भी साथ में रखिएगा, क्लास को दोबारा देख लीजिएगा, वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं, कई बार रिपीट करके देख सकते हैं वीडियो को। चलिए चौथा है नियमित उधार वापसी। पांचवा है सही पुस्तक संधारण। पंचसूत्र होगा अर्थात सही हिसाब किताब करना। तो चलिए देखिए आपको मैं पंचसूत्र दिखाता हूँ। ये रहा आपका पंचसूत्र। ठीक है, तो पंचसूत्र आप देख रहे हैं, यह पंचसूत्र है। देखिए पंचसूत्र पहले मैं बताया था, नियमित साप्ताहिक बैठक, दूसरा है नियमित साप्ताहिक बजट, नियमित साप्ताहिक आंतरिक लेन देन तीसरा वाला, चौथा वाला है नियमित उधार यानी कि वापसी, और पांचवा है सही पुस्तक का संधारण। यानी कि आपको ये सब पंचसूत्रों में बटा हुआ है, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी कि पांच सूत्रों में बटा हुआ है। चलिए इसके बाद लास्ट वाला है ग्राम संगठन, सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ग्राम संगठन। ग्राम संगठन होता क्या है, चलिए ग्राम संगठन होता क्या है देख लीजिएगा, बिल्कुल नया है, हाँ क्लास में आ सकता है, थ्योरी क्लास है ना।
एक ही गांव या आसपास के दो गांव में गठित 6 से अधिक सदस्य से स्व सहायता समूह जो कि पंचसूत्र का पालन कर रहे हों। अभी मैंने आपको पंचसूत्र के बारे में बताया था जी, बिल्कुल। मतलब इसका कहना है कि एक ही गांव या फिर आसपास के दो गांव से गठित 6 से अधिक समूह सदस्य से स्व सहायता समूह जो कि पंचसूत्र का पालन कर रहे हो, उसके द्वारा आपस में मिलकर बनाया गया संगठन ग्राम संगठन कहलाता है। क्या कहलाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट? ग्राम संगठन कहलाता है। एक बार और बताऊंगा कि ग्राम संगठन, फिर से देखिएगा, ग्राम संगठन है एक ही गांव या आसपास के दो गांव से, एक ही गांव या हो या पड़ोसी हो गया है, पड़ोसी गांव हो गया है, उससे गठित कर 6 से अधिक समूह सदस्यों से स्वयं सहायता समूह जो कि पंचसूत्र का पालन कर रहे हों, उसके द्वारा आपस में मिलकर बनाया गया संगठन ग्राम संगठन कहलाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 4 वीडियो में होगा जी, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। इसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आपका क्लास है कि सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्न पूछा जाएगा एडीओ के। तो यहाँ पर मैं आपको बता दिया था सिलेबस, अगर सिलेबस आपके पास नहीं पहुँचा होगा तो डिस्क्रिप्शन के नीचे इसका लिंक दिया होगा, आप जाके देख सकते हैं कि इसका सिलेबस क्या है। और जो लोग सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं उनका क्लास कल से 10 बजे स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि हमारे यूट्यूब चैनल पर 10 बजे से 11 बजे तक की क्लास होती है सब इंस्पेक्टर की, और छात्रावास अधीक्षक की 11 बजे से 12 बजे तक की क्लास होती है। ठीक है जी, बिल्कुल हाँ, सब्सक्राइब करते जाइएगा। जो लोग नए बच्चे हैं वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो लोग सीजी व्यापम की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बाजू में जो बेल आइकन की घंटी है उसको ऑल पर सेट करके रख लीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही।